गलवान में चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के बाद क्या चीन अब भारत के खिलाफ साइबर वॉर छेड़ रहा है? पिछले कुछ समय से चीन की तरफ भारत में साइबर हमले बढ़े। सरहद पर आंख दिखाने वाला चीन अब आपके कंप्यूटरों में घुसपैठ कर रहा है। साइबर अटैक के जरिए चीन भारत को अपना शिकार बनाने में जुट गया है। साइबर हमलों में करीब 300% का इजाफा पाया गया है। अब हाल ही में चेतावनी न केवल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम द्वारा आ गई है कि एक बड़ा आक्रमण होने वाला है, और साथ ही साथ महाराष्ट्र की साइबर एजेंसी ने भी कहा है कि पिछले कुछ दिनों में चीन से आने वाले साइबर आक्रमण बढ़ चुके हैं, भारतीय एजेंसीज खासतौर पर भारतीय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करते हुए। जानकारों के मुताबिक इस महीने से चीनी हैकर्स के तौर तरीके बदल गए हैं। इससे पहले चीनी हैकर्स पाकिस्तान और दूसरे माध्यम से काम करते थे, लेकिन अब चीनी हैकर्स सीधे इसमें शामिल हैं। चीनी हैकर्स लक्षित भारतीय संस्थाओं का संवेदनशील डेटा एकत्र कर रहे हैं। साइबर खुफिया फर्म से मिली जानकारी के मुताबिक चीन इस साइबर अटैक में कई सरकारी एजेंसियों, मीडिया घराने, फार्मा कंपनीज, टेलीकॉम ऑपरेटर्स और एक बड़ी टायर कंपनी को चीनी हैकर्स निशाना बना सकते हैं। साइबर खुफिया फर्म साई फार्मा के मुताबिक 10 दिनों पहले डार्क वेब पर कुछ लोगों को चीनी भाषा, मंदारिन और कंटोनिस में बात करते हुए पाया गया था। महाराष्ट्र के साइबर विभाग ने चीन से इसे अब तक का सबसे बड़ा साइबर अटैक बताया था। चीन की तरफ से हिंदुस्तान के साइबर स्पेस पर एक दो बार नहीं बल्कि 40,000 से ज्यादा बार साइबर अटैक किया गया है और लगातार जारी है। देश में सूचना, बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में पिछले दिनों में हजारों साइबर हमले हुए हैं। इन साइबर हमलों की बढ़ती संख्या के पीछे चीनी सेना के साथ चीनी सूचना वॉरफेयर सेल पर संदेह जताया जा रहा है। तो देखिए, ये जो ट्रेंड है लगातार और आगे बढ़ेगा, इसलिए भारत को बहुत जबरदस्त तैयारी करने की आवश्यकता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो पाएंगे कि भारतवर्ष ने उतना महत्व साइबर सुरक्षा को नहीं दिया जितना देना चाहिए था। आज की तारीख तक भारतवर्ष में कोई साइबर सुरक्षा संबंधी कानून ही नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या भारत इससे निपटने के लिए तैयार है? यकीनन वक्त आ गया है कि जिस तरह गलवान वैली में चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, उसी तरह साइबर हमले के मोर्चे पर भी उसकी साजिश को नाकाम किया जाए। चाइना अब साइबर अटैक के जरिए हिंदुस्तान को अपना निशाना बना सकती है। साइबर खुफिया विभाग की माने तो चीन के निशाने पे न सिर्फ सरकारी एजेंसियां हैं बल्कि कई सारी इंडस्ट्रीज भी हैं। ऐसे में जरूरी है सावधानी बरतने की। कैमरामैन रविकांत तोतावर के साथ अनुज मिश्रा, दिल्ली आज तक।